देखिए कितने प्यारे रस भरे हमारे ये गुलाब जामुन बने हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये सूजी से बने हैं। ये वाले गुलाब जामुन बनाने के बाद आप बाज़ार के गुलाब जामुन लाना तो भूल जाओगे। झटपट बन जाने वाले गुलाब जामुन हैं और सामान भी कम लगता है। चलो फिर बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में एक कटोरी चीनी ली है और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 3 कटोरी पानी। 1, 2 और ये देखिए 3। अब मैं डालूंगी इसके बाद 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसकी चाशनी बना लेंगे अच्छे से। 1 तार आने तक इसको पका लेंगे। हाई फ्लेम पे अच्छे से पकाना है हमें इसे। और अब हम चेक करते हैं अपनी चाशनी को। ये देखिए 1 तार आ रहा है, हमारी चाशनी बन गई है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। अब लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच घी और घी को मेल्ट होने देंगे हम। घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है। और देखिए घी हमारा मेल्ट हो चुका है। और अब हम डालेंगे इसमें 1.5 कप दूध, यानी कि 1 कप हमारी सूजी है तो 1.5 कप हमें दूध डालना है। दूध को हमें गर्म करना है, दूध में भी कोई उबाल नहीं लगाना है। हल्का सा गर्म होने लगे तो हम इसमें धीरे धीरे करके सूजी डालेंगे। एक हाथ से थोड़ी थोड़ी डालेंगे और एक हाथ से चलाते जाएंगे। ये देखिए, वरना इसमें लम्स गांठे पड़ जाएंगी अगर इसको चलाया नहीं तो। और ये देखिए, एक हाथ से डाल रहे हैं हम तो एक हाथ से चला रहे हैं। ऐसे ही आपको करना है। ये देखिए, अब सूजी और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये पूरी मतलब खुशक नहीं हो जाए इसमें। और अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इसको ठंडा नहीं करना है ज़्यादा, हल्का ठंडा करना है। और हाथों से इसको, घी के हाथों से मल मल के इसको खूब अच्छे से मलना है। इसका एक आटा बना लेना है। ये इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, इसको गरम गरम ही मलना है। और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। बस यहीं आपको मेहनत करनी है। जितना आप इसको हाथों से मलोगे अच्छी तरीके से ना, तो इतना ही आपके ये अच्छे बनेंगे। आप इसको ज़्यादा नहीं मलेंगे तो आपके गुलाब जामुन सही नहीं बनेंगे, फटेंगे भी और अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपको हाथों से इसे अच्छे से मलना है, इस बात का ध्यान रखिए। और देखिए ये मैंने मल लिया है। अब जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना, आपको ये गोल गोल गुलाब जामुन बना लेने हैं। और ये देखिए, हमने सारे गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं। कहीं से कुछ फटे नहीं हैं, बिल्कुल गोल गुलाब जामुन बन के तैयार हुए हैं। अब इनको गरम गरम तेल में फ्राई करेंगे। थोड़े थोड़े गुलाब जामुन डालकर फ्राई करिएगा, एक साथ सब ना डालिएगा। और ये देखिए, हमारे गुलाब जामुन में भी कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। और अब हम इनको निकाल लेंगे, जो हमने चाशनी बनाई थी इस गरम चाशनी में इसको हम डाल देंगे और एक बार हिला देंगे हाथ से, ताकि हमारी चाशनी सारे रसगुल्लों में एब्जॉर्ब कर ले। और इसी तरह से सारे गुलाब जामुन बनाकर फ्राई कर लेने हैं और चाशनी में डाल देना है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे गोल गोल हमारे गुलाब जामुन बने हैं। अब इसको हम ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमारे गुलाब जामुन ने भी अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम इसको एक बाउल में कर लेंगे और इसके ऊपर पिस्ता रख देंगे, आप चाहे तो ना रखें। और ये देखिए कितने सॉफ्ट, कितने अच्छे हमारे गुलाब जामुन बने हैं। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ चम्मच से। और ये देखिए कितने प्यारे हमारे गुलाब जामुन बने हैं। देखिए बिल्कुल लग रहे हैं ना मार्केट जैसे। ये देखिए, बस मिनटों में बनके रेडी हो गए हैं हमारे ये गुलाब जामुन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और तब तक मैं चलती हूँ, मिलूँगी दूसरी वीडियो।